अब देखते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हैं आपके रीडिंग विद इनसाइट सेक्शन के. एंड द क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टोरी व्हाट डिड यू फील अबाउट इवान्स हैविंग द लास्ट लव. अब स्टोरी में हमको बताना है कि इवान का जो लास्ट लव था या फिर जो लास्ट स्माइल था वो क्यों था और उसके बारे में हम क्या फील करते हैं. एंड द आंसर इज इवान स्मार्टली डिवाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड द प्लान ऑफ हिज एस्केप. जो इवान था उसने बहुत ही स्मार्टली अपने जेल से भाग जाने के प्लान को एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट किया था. ही मैनेज टू फूल एवरीवन टिल द एंड ऑफ द स्टोरी. और उसने इस कहानी हमने देखा कि इस कहानी के आखिरी तक उसने हर एक इंसान को क्या करके रखा था, मैनेज करके रखा हुआ था, सबका ध्यान इधर उधर भटका के रखा हुआ था. इट वॉज इवान हु हैड द लास्ट लाफ. और जो इवान था उसका लास्ट लाफ था. He gave false clues to misguide the officials following him. उन्होंने जो इवान है उसने सारे officers लोगों को गलत गलत information दिया ताकि लोग क्या हो जाएं, थोड़ा सा उसको ढूंढने से भटक जाएं. The story describes how criminals are one step ahead of prison officers. और इस स्टोरी से हमको ये पता चला कि जितने भी जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, वो सारे officers से एक कदम आगे होते हैं. As earlier said, Ivan smartly executed the plan of release after all providing strict care for the smooth handling of the examination. और इवान ने अपना प्लान बहुत ही स्मार्टली बनाया था और एग्जामिनेशन के टाइम पे ही उसने क्या किया था, अपना escape plan को execute किया था. इवान made all the arrangement to escape by just sitting in jail. और इवान ने ये सारा प्लान जेल के अंदर बैठकर ही क्या कर लिया था, प्लान कर लिया था. His friends joined and McCleary helped him in escaping by deceiving the governor. इवान के दोस्तों ने और मैक्लेरी ने इवान को जेल से भाग जाने में मदद किया. दे अरेंज द कार वेयर इवान कुड चेंज हिज मेकअप एंड क्लॉथेस. उसके दोस्तों ने क्या किया, कार अरेंज किया और इवान ने उस कार के थ्रू भागा और उस कार के अंदर ही अपना मेकअप और सारा क्लॉथेस चेंज किया. विथ हिज विक्टोरियस स्केप इवान डेफिनेटली हैड अ वेल अर्न्ड लास्ट लव. और इवान का इतना बहादुरी से भाग जाना ही उस आखिरी स्माइल, उसकी आखिरी मुस्कान की सबूत थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन स्टीफन्स कम्स बैक टू द सेल ही जंप्स टू अ कंक्लूजन एंड द होल मशीनरी ब्लाइंडली गोज बाय हिज अज्यूम्शन विदाउट इवन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंजर्ड मैक्लेरी. जब स्टीफन सेल के अंदर आए तो उनको ये निष्कर्ष मिला, उनको ये कंक्लूजन कब मिला कि जब वो पूरे सारे चीज़ों को एकदम ब्लाइंडली मीन्स क्या किए थे, चेक किए थे. मीन्स जब वो सेल के अंदर आए हैं तो उन्होंने देखा कि वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी चेक कर चुके थे और उनके एज्यूम्शन के थ्रू जो इंजर्ड मैक्लेरी था वो कौन था, उसका आइडेंटिटी क्या था. डज दिस शो हाउ हैस्टी कंजेक्चर्स कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम सीइंग द ऑब्वियस. हाउ इज़ द क्रिमिनल एबल टू प्रेडिक्ट सच नेग्लिजेंस. और ये इसके थ्रू हमको पता चला कि कैसे अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं तो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं कि वो वही चीज़ हो. और जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो लोगों को, जितने भी ऑफिसर्स लोग होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स उनको गुमराह कर देते हैं. इवान वॉज अ परसेप्टिव एंड स्मार्ट क्रिमिनल. इवान जो था वो बहुत ही ज़्यादा परसेप्टिव मीन्स या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्रिमिनल था. He had evaluated the vulnerabilities of the prison staff successfully. और उसने क्या किया था, सारे स्टाफ मीन सारे ऑफिसर्स को गुमराह करके रखा हुआ था. स्टीफन वॉज अ न्यू रिक्रूट टू द प्रिजन सेटअप. और जो स्टीफन थे, मिस्टर स्टीफन, वो वहाँ नए नए अभी अपॉइंट किए गए थे. When he noticed the wounded McCleary in the cell, he was so overcome that he did not verify who he was and neither did anyone else. जब वो सेल के अंदर गया, उन्होंने नोटिस किया कि ये मैक्लेरी है या नहीं और वो एक्चुअल में पहचान नहीं पा रहे थे कि ये एक्चुअल में मैक्लेरी है या फिर कोई और है. इट डिडेंट हैपन टू एनीवन टू आस्क हाउ देयर कुड बी टू पर्सन, वन ऑफ देम इन द सेल एंड द अदर हु हैड बीन अकम्पनीड आउट बाय स्टीफन्स. और वो किसी से ये पूछ भी नहीं पा रहे थे कि कैसे दो लोग, एक जो कि सेल के अंदर है और दूसरा जो स्टीफन के साथ बाहर वो छोड़ करके आए हैं. It was for this reason that buddies of Ivan's who acting as the governor on the telephone addressed Stephens that the should accompany the person done with his exam. और स्टीफन ने जिस कॉल में बात किया था वो एक्चुअल में एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल नहीं आया था, किसी ने उनको कॉल किया था और ये कहा था कि वो एग्ज़ाम के बाद मिस्टर मैक्लेरी को क्या कर दे, बाहर छोड़ करके आ जाए.
द गवर्नर एंड हिज ऑफिसर्स लीड इवांस आउट ऑफ द जेल. द क्वेश्चन पेपर वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू रिसीव द गवर्नर. और जो गवर्नर थे और जितने भी ऑफिसर थे वो जेल में इवान को ढूंढने लग जाते हैं. और इवान जाते जाते अपने लिए अपना क्या छोड़कर चले जाता है, क्वेश्चन पेपर छोड़कर चले जाता है. दिस प्रूव दैट इवान्स द कॉन्विक्ट हैड सफिशिएंट टाइम टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द जेल ऑफिसर एंड प्रिपेयर देयर स्ट्रेटजी वेल. और इस बात से हमको पता चलता है इवान के पास काफ़ी समय था और उसका जेल में रहते रहते जो सारे ऑफिसर्स लोग का बिहेवियर था वो अच्छे से जान गया था और उसने बहुत आसानी से अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटजी क्या कर ली थी, तैयार कर ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What could the governor have done to securely bring back Ivan to prison when he caught him at the Golden Lion? गवर्नर ने ऐसा क्या किया कि वो जब गोल्डन लायन में इवान को पकड़ लिए थे तो गवर्नर ने क्या किया कि वो उसको सुरक्षित वापस ले आए. Does that final act of foolishness really prove that he was just another good for a giggle, gullible governor? That was all. और क्या उनका आखिरी जो कार्य था वो ये प्रूफ करता है कि वो एक बहुत ही ट्रस्टफुल, बहुत ही ब्रेव गवर्नर है. एंड द आंसर इज द गवर्नर टुक ऑल द फोर थॉट टू एश्योर दैट इवान शुड नॉट हैव एनी रिस्क टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. गवर्नर ने पूरी कोशिश की कि इवान जो है वो उस जेल से ना भागे. ही इवन ट्रेस्ड एंड कॉट हिम एट द गोल्डन लायन आफ्टर हिज मैग्निफिशेंट रियलाइज फ्रॉम जेल. और जैसे वो जेल से भाग जाता है तो गवर्नर ने अपनी पूरी कोशिश की और वो गोल्डन लायन में जाकर के इवान को पकड़ लेते हैं. His cocksureness once again showed that he was no equal to the smart and cunning Ivan. और उनका जितना भी smartness था वो ये नहीं बता पाया कि वो Ivan से बहुत ज़्यादा smart हैं. The governor, after getting proof from the question paper, traced Ivan at the Golden Lion. और क्वेश्चन पेपर से जब गवर्नर को ये सबूत मिलता है कि जो इवान है वो गोल्डन लायन में है तो जो गवर्नर है वो उस गोल्डन लायन होटल में पहुंच जाते हैं. व्हेन ही एंटर्ड द रूम ही वाज टर्न टू सी द गवर्नर. और जैसे ही इवान रूम के होटल के रूम के अंदर पहुंचता है तो वो शॉक्ड हो जाता है गवर्नर को देख करके. इवान गेव नो एक्शन एंड वॉज इम्प्रेसेंट. इवान जो है वो कोई मूवमेंट नहीं करता है. द इनोशन गवर्नर रिजॉइज्ड ओवर हिज विक्ट्री एंड सेट गुड बाय टू हिम. जो गवर्नर थे वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे. वो उनको ऐसा लगता है कि फाइनली उनकी जीत हो गई. उन्होंने इवान को पकड़ लिया और वो इवान को गुड बाय बोल देते हैं. इवान वॉज मेड टू सिट इन द पुलिस वैन. द गवर्नर डिडंट चेक द आइडेंटिटी ऑफ द ड्राइवर, द ऑफिसर एंड द वैन. जो इवान है वो पुलिस वैन में जाकर के बैठ जाता है और गवर्नर जो है उस ड्राइवर का और उसमें बैठे हुए ऑफिसर्स और वैन का कोई भी पहचान पत्र या कुछ भी चीज़ वो चेक नहीं करते हैं. A little more diligence could have avoided the escape of the sinner. If the governor had taken Evans to the jail cell with the arrangement of police, the criminal would not have disappeared. और यही छोटी सी गलती की वजह से जो इवान है वो दोबारा से भाग जाने में क्या होता है, सक्सेस होते हैं और जो गवर्नर है वो इवान को जेल में नहीं ले जा पाते. Their carelessness showed that he was just another good for a giggle gullible governor. और उनका careless ही उनको शो करता है कि वो एक good और giggle gullible governor है. And the next question is, while we condemn the crime, we are sympathetic to the criminal. जब हम खुद एक crime को condemn करते हैं तो क्या हम किसी criminal को लेकर के sympathetic means सहानुभूति रख सकते हैं? Is this the reason why prison staff often develop a soft corner for the those in custody? और क्या यही कारण है कि जितने भी उस जेल में officers लोग थे वो अपने heart में एक soft corner इवान को लेकर के रखा करते थे. एंड द आंसर इज द रीज़न वाई द जेल ऑफिसर डेवलप्स अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज इन द प्रिजनमेंट इज दैट रेगुलर कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल क्लोजर. और जो प्रिजन ऑफिसर्स थे सारे जेलर को लेकर के, जितने भी कैदी लोग थे उनको लेकर के क्लोज क्यों हो जाते थे, कारण ये है कि हर रोज उनके साथ बातचीत करना लोगों को क्या कर देता था, आपस में करीब कर देता था. देयर इज इंक्रीज्ड परसेप्शन बिटवीन देम. और उन लोगों के बीच में जो परसेप्शन है वो मतलब बातचीत या फिर बोल सकते हैं अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है. दे मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू जस्टिफाई द एक्शन बट कैन एक्सप्लेन इट. और वो ऐसे पोजिशन में नहीं होते हैं कि वो कार्यों को क्या कर सके, विवरण कर सके, जस्टिफाइड कर सके, बल्कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके. ये सारे पोजिशन में वो नहीं होते क्योंकि जितने भी जेलर लोग होते हैं वो ऑफिसर लोग रोज़ का उनसे बात कर करके थोड़ा अटैच हो जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी सिंपैथी मीन सहानुभूति वो रखते हैं. अवर ओपिनियंस चेंज व्हेन वी सी अ क्रिमिनल एक्सेप्टिंग हिज पनिशमेंट.
और हमारा जो ओपिनियन चेंज हो जाता है जब कोई भी अपराधी अपनी गुनाह को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दिस इज़ वॉट हैपन्स विथ द जेल ऑफिसर। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो जेल के ऑफिसर लोगों के साथ में होती है। By seeing the criminal suffering in the jail, they accidentally generate a soft corner for him in their hearts. और जैसे ही जो जेल के ऑफिसर्स लोग होते हैं वो देखते हैं कि सारे जेलर लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इतने परेशान देख करके उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हार्ट में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एक थोड़ी सी जगह बोल सकते हैं, सहानुभूति या फिर हम कहें सिंपैथी थोड़ी सी आ जाती है। They gaze at him as a human being and not as an illegal character. क्योंकि वो जेलर को भी एक इंसान के नज़रिए से देखते हैं। They start seeing and appreciating their mental skill rather than just retrieving their sign. In this story, it is said that buried somewhere in Jackson, the senior police officer beneath all the bluster was a tiny core of kindness and Evans knew it. और फिर उन लोग उनके मेंटल स्किल को, मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो जेलर के सोचने की शक्ति को क्या करने लग जाते हैं, अप्रिसिएट करने लग जाते हैं। और इस स्टोरी में भी बताया गया है कि जो इवान है वो मिस्टर जैक्सन, मिस्टर स्टेफन से अच्छे तरीके से वाकिफ था, और इवान को ये भी पता था कि मिस्टर जैक्सन जो है उनके अंदर थोड़ी सी काइंडनेस, दयालुता है। Evans knew of the sensitive side of Jackson and so hit it straight through his talk about lucky charm and managed to fool the strict and efficient staff. Even the governor could not help seeing his brain power when he found him in the hotel. और जो इवान है उसको जैक्सन के सेंसिटिवनेस के बारे में अच्छे तरीके से पता था, इसलिए उसने अपना लकी चार्म कह के अपना पहले तो हैट रख लिया था, और बाद में जब वो एग्ज़ाम के टाइम पे उस मिस्टर स्टेफन को बाहर भी निकलवा लिया था, और जो गवर्नर हैं वो अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते होटल में। दस ही वॉज नॉट बिटर टू स्टर्न विथ इवान एंड रिग्रेटेबली कैरिड ऑफ विथ हिम लैंपली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, डू यू एग्री दैट बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट इट इज़ मेनली अ बैटल ऑफ विट्स। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि क्राइम और पनिशमेंट के बीच में एक वीट की युद्ध होती है, एक वीट का बैटल होता है? एंड द आंसर इज़ इन एवरी फाइट द मोर पावरफुल साइड विंस एंड दिस पावर कुड बी मेंटल और फिजिकल। हर एक युद्ध में, हर एक लड़ाई में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही चीज़ क्या होता है, जीतता है, और वो पावर क्या होता है, मेंटल और फिजिकल। However, after seeing the story, we can terminate that punishment and crime. It is chiefly a battle of wits. और इस स्टोरी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि जो पनिशमेंट और क्राइम है वो क्या है, एक आपका बैटल ऑफ वीट है। द साइड विच डिफीट द अदर सक्सेसेस, अगर एक कोई जीत रहा है तो सामने वाला क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि हारेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट अ कल्प्रिट गेट्स पनिश्ड, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा जो अपराधी लोग होते हैं उनको ही सज़ा मिलती है। हियर इन द स्टोरी द पुलिस ऑफिसर्स दो वेल ट्रेन वेयर इजली डिसेव्ड बाय द स्मार्ट इवान हु ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम राइट अंडर देयर नोज। और इस स्टोरी में हमने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनका हार मिला था, क्योंकि जो इवान था वो क्या किया था, पुलिस वालों की नज़रों से भी भाग गया था। द गवर्नर एंड इवान्स बोथ ट्राइड टू आउटफिट ईच अदर, जो गवर्नर और इवान है दोनों ने अपने आउटफिट को आपस में एक्सचेंज किया। कहने का मतलब ये है कि पहले तो इवान भाग गया था, देन गवर्नर ने इवान को पकड़ लिया, और फिर से गवर्नर ने जब इवान को पकड़ा उसके बाद भी इवान दोबारा से भाग गया। द गवर्नर टुक ऑल द फोर थॉट लाइक बगिंग द सेल ड्यूरिंग द एग्जाम, ही सेंट स्टेफन टू अकंपनी मैक्लेरी एंड गॉट द होटल एग्जैक्टली। इवान वॉज ऑल्सो टेकन अबैक व्हेन ही गॉट टू नो दैट द रिसेप्शनिस्ट इन द होटल वॉज एंड इन्फॉर्मर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट। और हमने देखा इस स्टोरी में कि जो गवर्नर है उसने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, जैसे इवान का एग्जाम हो रहा था तो उसने मिस्टर स्टेफन को अंदर भेज दिया था, और जब वो उनको बाहर भी किया तो स्टेफन को चेक करने के लिए कहा था। और उसी तरीके से दूसरी तरफ हम इवान की बात करें तो इवान इतने सिक्योरिटी के बाद भी वहाँ से भाग गया था, फिर वो होटल में पहुँचा, और होटल में जब गवर्नर ने दोबारा से उसको पकड़ लिया था तो दोबारा से पकड़ने के बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई कि कैसे उसने अपने सारा प्लान एग्जीक्यूट किया। और जब इवान देखता है कि जो रिसेप्शनिस्ट है वो भी उससे मिली हुई है, और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, और जितने भी वैन में जो लोग होते हैं, जो नकली ऑफिसर्स लोग होते हैं, फिर से जो इवान है वो गवर्नर के हाथों से फिर से भाग जाता है। और फाइनली इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।